नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को बागडोगरा हवाई अड्डे की नई टर्मिनल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी, मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में नवजात शिशु का शव गायब होने के खिलाफ DYFI का ज्ञापन और विरोध कार्यक्रम। जलपाईगुड़ी में अविवाहित युवक का 2 बच्चों की मां के साथ अफेयर, स्थानीय लोगों ने मंदिर में करा दी शादी। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डियर साप्ताहिक लॉटरी, केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को बागडोगरा हवाई अड्डे की नई टर्मिनल परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जैसा कि दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने बताया। यह हवाई अड्डा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। नया टर्मिनल 70,390 वर्ग मीटर में बनेगा, जिससे यात्री क्षमता बढ़ेगी और 10 नए पार्किंग वे भी जोड़े जाएंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जिससे पर्यटन में भी सुधार होगा। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर है। डॉक्टर संदीप मंडल ने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए उनकी 10 सूत्री मांगे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलन कोलकाता और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में जारी है और डॉक्टरों ने कहा कि वे तब तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं। तो हलो आज के तो 17 नंबर दिन हलो। আমরা এখানে অলরেডি অনশনে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে 289 ঘন্টা বসে আছি। ইতিমধ্যে দেখেছি আমরা কলকাতায় 4 জন সহযোদ্ধা, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে আমাদের 2 জন সহযোদ্ধা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে হসপিটালাইজ হতে হয়েছে। কিন্তু এরপরও আমরা সরকার থেকে কোনোরকম কোনো সদুত্তর আমরা কিন্তু পাচ্ছি না। তাহলে এর মানে এরপরে তাহলে আর আমাদের তো দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, এরপরে আমরা আর কী করতে পারি? তাহলে আমরা কিন্তু শুরু করেছিলাম অভয়ের বিচার চেয়ে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই কয়েকটা 10 দফা দাবি যেগুলো সেগুলো উঠে এসছে। আপনি যদি ভালো করে দেখেন তাহলে কিন্তু এই 10 দফা দাবি যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু রুগীর স্বার্থে, জনসাধারণের স্বার্থে আর হসপিটালের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যাতে একটু উন্নতি হয় সেই নিয়ে। খুব একটা বেশি কিছু তো আমরা চাইনি। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल से नवजात शिशु का शव गायब होने के खिलाफ DYFI का ज्ञापन और विरोध कार्यक्रम। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में नवजात शिशु का शव गायब होने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच कराई जाएगी। DYFI और अन्य संगठनों ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए प्रदर्शन किया और उचित जांच की मांग की। गण चेतना नागरिक मंच ने भी अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सिलीगुड़ी अस्पताल एक सद्यत शिशुर जन्म पर मृत घोषणा करा हलो, অথচ পরিবারের হাতে সেই মৃতদেহ তুলে দেওয়া গেল না, সেই মৃতদেহ লোপাট হয়ে গেল। শিলিগুড়ি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই দেহ কোথায় লোপাট হলো সেই তথ্য তারা পরিবারের হাতে এবং মিডিয়ার কাছে এবং কোনো আমাদের যে যুব সংগঠন বা সামাজিক সংগঠনগুলো আছে তাদের হাতে দিতে পারলো না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা সুপার এক্স সাহেবের কাছে এসেছিলাম যে এত বড় গাফিলতি, যদি এটা গাফিলতি হয় তাহলে চরমতম গাফিলতি, এবং এই গাফিলতির পিছনে যারা দায়ী, এই গাফিলতির কাজ যারা করেছে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি তাদের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদেরকে আইনের আওতা আনতে হবে, বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আইনের। अविवाहित युवक का 2 बच्चों की मां के साथ अफेयर, स्थानीय लोगों ने मंदिर में करा दी शादी। जलपाईगुड़ी के विवेकानंद गांव में एक अविवाहित युवक का 2 बच्चों की मां के साथ अफेयर का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने मंदिर में दोनों की शादी करा दी। गृहिणी का पति केरला में काम करता है, जबकि युवक कई वर्षों से उसके घर आता जाता था। दोनों लंबे समय से एक अलग रिश्ते में थे और खुद से शादी करना चाहते थे। मामले के उजागर होने के बाद गांव वालों ने उनकी शादी संपन्न कराई। घटनाटा হচ্ছে একটা ছেলে বাড়ি ময়নাগিরি ব্লকের চারের বাড়ি আমার বিবেকানন্দ পল্লীতে একটা বয়স সঙ্গে দীর্ঘ 5-6 বছর ধরে সম্পর্ক থাকে। স্বামীটা ওই বউটার স্বামী হচ্ছে কেরালাতে কাজ করে, সেই সুযোগে এই বাড়িতে ও আসা যাওয়া করতো।
এমনকি ওরাই নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয় দুজনে বিয়ে করব। আর বউটারও বাচ্চা আছে দুটা, ওরাও বলছে আমি মার সঙ্গে যাব না, আর ওই ছেলেটাও বলছে আমি ওকে নিয়ে সংসার করে খাবো। ঠিক আছে, সে ছোড়ছে, আমরা বলছি তাহলে সংসার করে খাবি, তাহলে ওকে বিয়ে টিয়ে করে নিয়ে তুই সংসার করে খা, হচ্ছে এই বাড়িতে আর কোনোদিন আসবি না। এইভাবে ওদেরকে মন্দিরে আসে, ওরা মালা বদল করে বিয়ে করে ওরা চলে যাচ্ছে। ঘটনাটা রাত্রেবেলায় আসছে, ছেলেটা মেয়েটার ঘরে আসছে, স্বামী নাই বাড়িতে, তো পাড়ার লোকজন ধরছে, ধরে ওদেরকে বলছে তোরা এইভাবে চলাফেরা করিস, এইভাবে চলাফেরা করতে দেওয়া যাবে না। অতএব আমরা হিন্দু সমাজে আমরা বসবাস করি, এই এই অবস্থাতে এখানে এইভাবে থাকা যাবে না, তোরা তাহলে দুজন রাজি থাকলে তোরা বিয়ে করে নাও। হচ্ছে যার বউ সে বলছে আমি ওই বউ নিয়ে সংসার করবো না, ওরা ওর দিয়ে সংসার করে খা। আমরা ওই যে সামাজিক মতে ওদের যেটুকু হয় মন্দিরের সামনে বিয়ে করে দিচ্ছে, ওরা চলে যাবে সুখে শান্তিতে থাকবে। হ্যাঁ, দুটো বাচ্চা আছে, বাচ্চা দুটো যাবে না, ওই বাচ্চাটা বাবার কাছেই থাকবে। गाय से लदे ट्रक के साथ तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के फासदेबा इलाके में गायों से लदे ट्रक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। सुबह लॉरी को रोकने की कोशिश के दौरान पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया। लॉरी से 25 गाय बरामद की गई। ड्राइवर के पास से कोई वैध कागजात नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस सूत्रों के अनुसार गाय को बिहार से बांग्लादेश तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर का नाम मोहम्मद खबीन हुसैन है, जो उत्तर दिनाजपुर का निवासी है। उसे सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। तिलोत्तमा के लिए न्याय की मांग करने वाले डॉक्टरों ने नए मंच की शुरुआत की। तिलोत्तमा के लिए न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों का नया मंच शुरू। मंच के संयुक्त संयोजक डॉक्टर गुना ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य सरकार गिराना नहीं बल्कि दबाव बनाना है। यह संगठन जलपाईगुड़ी में हुई बैठक के बाद स्थापित हुआ, जिसमें डॉक्टरों ने तिलोत्तमा केस की सुनवाई और 10 सूत्री मांगों के समर्थन में चरण 2 कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। डॉक्टर गुना ने नागरिक समाज से अधिक समर्थन देने की अपील की है। তাড়াতাড়ি করে হয়ে যাবে এটা নয়, সেই সেই তদন্তটা এবং তার বিচার কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্ট পুরো বিষয়টাকে একটা দিক নির্দেশ করতে পারে, কিন্তু ইয়ে যে বিচার, আসল যে বিচার, সেগুলো হচ্ছে কিন্তু শিয়ালদা কোর্টে। সেটা হত্যা মামলার বিচার বলুন কিংবা আর্থিক দুর্নীতির যে বিচার, এবং আমাদের দেশে আইনের যে দীর্ঘসূত্রিতা, সেই দীর্ঘসূত্রিতাতে আমরা যদি আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে না পারি, আন্দোলনকে আরও তেজ করতে না পারি, তাহলে কিন্তু সময় লাগবেই। আন্দোলনকে আমরা কতটা তীব্র করতে পারব তার উপরই নির্ভর করবে যে কত দ্রুত এই ঘটনাটার বিচার হবে। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furniture's with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे, और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। द सिल्वर स्टोरी, SF रोड, सिलीगुड़ी, बिसाइड चेतना Nursing Home, 9832341000. Visitors rave about Glenarys. Let's find out. Welcome to Glenarys in Darjeeling.
Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside, and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenarys is a must visit. Glenarys, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenarys, taste the legacy. Punjab State Year 200 Monthly Lottery. Pahilo Puraskar 1 crore 50 lakh. Guaranteed Puraskar. Ticket ko moolya 200 rupiya. Pahilo Puraskar keval bikri bhai ka ticket baata. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भैरो फल फूल दिन्छ त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरु भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ घर बनाउन उच्च शिक्षा लिन सुख साधन किन्न सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनु होस् म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य? तो सुनिए, मयूर स्कूल सिलीगुड़ी और मेयो कॉलेज अजमेर लाए हैं इंटेलेक्ट क्वेस्ट। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर, 40% तक की स्कॉलरशिप पाएं ट्यूशन फीस पर। रजिस्टर करें 10 अक्टूबर 2024 तक। 20 अक्टूबर 2024 को होगा परीक्षा। मयूर स्कूल उत्तर बंगाल और सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं हर बच्चे को एक स्टार। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 9046972823। इंटेलेक्ट क्वेस्ट, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। नमस्ते मैम। डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रोते, बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू, मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम? सोफा? जी मैम। श्रोते, क्या सोफा है? और भी ऑप्शन है मैम? और भी ऑप्शन अवेलेबल है मैम? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठ कर, लेट कर, गद्दे पे उछल कर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। इतनी देर हेयरफॉल उनसे की मदद दिक्कत भई सके। बाथरूम तो एंटी हेयरफॉल को दुकान नहीं भई सके, अनि मेरे सिर एंटी हेयर नहीं रही। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फर माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। आज घोसपुकुर फुलबाड़ी में नेशनल हाईवे 27 पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालूम हो कि गाड़ी फुलबाड़ी से कोलकाता की ओर जा रही थी, तभी वह नियंत्रण खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में चालक व खलासी बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पर ड्यूटी पर तैनात यातायात पदाधिकारी सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुँच गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार गाड़ी में यात्री नहीं था तो बड़ा हादसा नहीं हो सका। सिलीगुड़ी के विधाननगर में ट्रेन से कटकर एक युवक की हुई मौत।
चाय बागान इलाके में रहने वाले ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। यह घटना सिलीगुड़ी विधाननगर के पेटकी इलाके में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लाइन पर एक अज्ञात युवक का शव देखा गया, जिसके बाद रेलवे पुलिस को सूचित किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और रेलवे पुलिस ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। आज दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस ने नक्सलबाड़ी अल्पसंख्यक सेल से ब्लॉक नंबर एक अध्यक्ष साबिर अली की पहल पर बागडोगरा स्टेशन से उमरा करने के लिए 8 लोगों को फूलमाला पहनाकर और कपड़ा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष रफीकुल इस्लाम, उपाध्यक्ष मंजूर आलम अंसारी और अन्य कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित रहे। आज सब लोग यहाँ से उमराव में जा रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा? इंशाल्लाह हम लोग दुआ करते हैं कि हमारा उम्र का सफर कामयाब हो, आमीन। और हम ये दुआ करते हैं जैसे आज हम जा रहे हैं, हमारे भाई लोग भी को ये सफर अल्लाह मुबारक करे, आमीन। उनको नसीब करे, आमीन। ये बहुत मुबारक सर है, सफर है, हम सभी के लिए दुआ करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम वहाँ जाके दुआ करें, जितने हमारे दीवाने लोग आए, हमारे चाहने वाले आए हैं, इसी तरह ये लोग भी हमारी तरह जाते हुए नजर आएंगे। सिलीगुड़ी के बाबूपाड़ा बॉयज क्लब ने श्यामा पूजा के लिए खूंटी पूजा का आयोजन किया। इस वर्ष की पूजा का विषय उत्सर्ग है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बांग्ला के विलुप्त कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना है। दुर्गोत्सव के समापन से पहले बाबूपाड़ा बॉयज क्लब ने अपनी 14वीं खूंटी पूजा का आयोजन किया। पूजा मंडप बांस, बेत और पर्यावरण से अनुकूल सामग्रियों से बनाया जाएगा। सचिव नोनीधर ने कहा कि उद्घाटन के लिए BSF का बैंड प्रस्तुत देगा और यह उन्हें उम्मीद है कि मंडप शहरवासियों का ध्यान आकर्षित करेगा। हमारे बाबूपाड़ा ब्लॉयज क्लब एबार 54वां वर्ष, एबार हमारे थीम होच्छे उत्सर्ग। मूलत एटा ग्राम बांगलार कुटीर शिल्प, जेखने अनेक विलुप्त प्राय तादेरके उत्साह करार्जन एवं आमादेर ए श्यामा पूजा उपलक्षे तादेरके आमादेर संगे पार्टिसिपेट करार्जन विभिन्न बाशेर एवं बेतेर काज दिए समस्त ग्राम बांगलार जेगुलो यूनिक किछु डिजाइन एवं नक्शा आछे सेई समस्त दिए आमादेर तादेरके सामिल करे आमादेर एटा बाशेर बेतेर पैंडल एवं तीन दिन ब्यापी अनुष्ठाने प्रथम उद्बोधनटा आमादेर BSF-er 22 जनेर एकटा ट्रुप दिए একটা ব্রাশ ব্যান্ড সুন্দর একটা জমকালো উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করি আপামর সমস্ত শিলিগুড়িবাসী এটা খুব আনন্দ উপভোগ করবে এবং আপনাদের 31-30 তারিখ উদ্বোধন এবং 1 তারিখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 2 তারিখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। আপনাদের মাধ্যমে আমি সমগ্র শিলিগুড়িবাসীকে আমাদের এই উৎসবে আমাদের ক্লাবের আনন্দে শরীক। आमबाड़ी के शक्ति सोपन क्लब ने खूंटी पूजा के माध्यम से शुरू की काली पूजा की तैयारियां। राजगंज के आमबाड़ी में शक्ति सोपन क्लब ने खूंटी पूजा के माध्यम से काली पूजा की तैयारियां शुरू कर दी है। विधायक खगेश्वर रॉय ने इस आयोजन में भाग लिया। क्लब की पूजा इस साल 54वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसका बजट 6 लाख रुपए है। 5 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूजा कमेटी के प्रमुख सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया मा 1 करोड़ केवल 6 रुपया मा किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया का। 6 रुपया मा 1 करोड़ 6 रुपया मा 6 रुपया डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।